السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. मोहतरम हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदुस्तान में तसव्वुफ या सूफियत या सूफीज़म की तबाहकारियाँ। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है कि ये अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फइन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालह। अल्लाह फरमाता है कुरान अज़ीम में कि ऐ रसूल, ऐ हमारे नबी, आप लोगों के सामने वो बयान कर दीजिए, उस अम्र की तबलीग कर दीजिए जो आसमान से अल्लाह ने आप पर नाज़िल किया है, और अगर आपने इस मुकद्दस फरीजे को अंजाम न दिया तो आपने रिसालत का हक अदा न किया, या फिर ये कि अगर आपने ऐसा न किया तो आपने रिसालत का हक अदा न किया, अपनी नबुव्वत का, अपनी पैगंबरी का हक अदा न किया। कुरान अज़ीम की ये आयत बय्यना इस अम्र का ऐलान कर रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हो रहा है कि ऐ नबी, आप लोगों के सामने वही बयान कीजिए, उसी अम्र की तबलीग फरमाइए जो आसमान से अल्लाह ने आपके सीने मुकद्दस पर नाज़िल किया है, कुरान अज़ीम की आयत बय्यनात की शक्ल में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शारिए इस्लाम है, आपके सीने मुतहर पर, सीने मुकद्दस पर आसमान से आयत कुरआनिया का नुज़ूल होता है, और वो खालिस अमर हक होता है। अल्लाह अपने नबी से इरशाद फरमाता है कि ऐ नबी, आप उसी अम्र की तबलीग फरमाइए, उसी अम्र की इशात कीजिए जो आसमान से अल्लाह ने आपके सीने पर नाजिल किया है, और अगर आपने ऐसा न किया तो आपने हक़ रिसालत अदा न किया। कुरान अज़ीम की एक और आयत है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ऐ नबी, आज के दिन हमने अपने दीन को आप पर मुकम्मल कर दिया और अपनी तमाम नेमतें आप पर तमाम कर दीं और आपके दीन से खुश हुआ। कुरान अज़ीम की आयत बय्यना इस हकीकत की सराहत करती है कि अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, जो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए जो उमूर लाजिम व मलजूम थे, कतई थे, अल्लाह ने दीन की शक्ल में नबी के सीने पर उसका नुज़ूल करके दीन की तकमील कर दी है, और जितनी भी नेमतें और जितनी भी बरकातो हसनातो खैरात हैं अल्लाह ने नबी के सीने पर कुरान अज़ीम की आयात की शक्ल में नाजिल फरमा दी, और अल्लाह उस दीन के नुज़ूल के बाद अल्लाह के इस दीन से खुश भी हो गया। कुरान अज़ीम की ये आयत बय्यना जो है इस बात पर नातिक है और शाहिद अक्ल है कि अब कुरान अज़ीम के नुज़ूल के बाद और कुरान अज़ीम की नुज़ूल के खात्मे के बाद और दीन की तकमील के बाद दीन में कलामुल्लाह और अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस के बाद इंसानियत को किसी और चीज़ की हाजत नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो मुनज़्ज़म मिनल्लाह यानी आसमान से नाजिल करदा हैं और नबी की हदीस जो अल्लाह की वही खफ़ी होती है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी हैं। अब दुनिया को हिदायत के लिए किसी और शय की हाजत नहीं, न किसी फलसफे की, न किसी मंतिक की, न किसी निज़ाम अमल की। बस ये दोनों चीज़ें जो हैं हुज्जत हैं, बुरहान हैं, बल्कि बुरहान क़ाते हैं। और इस खुतबे में जो हमने आयत पढ़ी थी कि ए नबी, कुरान अजीम की आयात की नुज़ूल की तकमील हो चुकी है, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है और तमाम नेमतें आप पर पूरी कर दी हैं और इस दीन से खुश हो गया है। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया था कि ए नबी, आप उसी अम्र को पहुंचाइए, उसी अम्र की तबलीग फरमाइए जो आसमान से अल्लाह ने आपके सीने पर नाज़िल किया है। और अगर आपने ऐसा न किया यानी आसमान से नाजिल शुदा आयात की तबलीग व इशात न की, अल्लाह के हकायक़ और मआरिफ़ को इंसानियत के सामने बयान न किया बल्कि छुपा गए, कुछ चीज़ें छुपा दी, बाज़ उमूर को पोशीदा रखा, बाज़ उमूर को बयान न किया या बाज़ वही इलाही को छुपा दिया, तो आपने अल्लाह की रिसालत का हक अदा न किया। और एक और हदीस बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है कि एक ताबेई ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ सवाल किया, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयबा ताहिरा ने फरमाया कि तीन चीज़ें हैं, अगर कोई दावा करे तो तुम उसका इनकार कर देना, कहना कि तुम झूठे हो, तुम कज़्ज़ाब हो, तुम वज़्ज़ाब हो। उनमें से एक बात यह है कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने दीन की किसी बात को छिपा दिया तो तुम समझो कि वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो वज़्ज़ा है। बुखारी की हदीस भी इस अमर की सराहत करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा उन तमाम हकायक और तमाम मआरिफ को और तमाम अहकाम व फरामीन को और तमाम आयात बयनात को और तमाम उमूर को जो इंसानियत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाए थे, अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया उसको और कोई चीज़ छिपाई नहीं। अब आयशा फरमाती हैं कि कोई अगर ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने दीन में कुछ छुपाया तो समझो वो झूठा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि मन अहदसा फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी बात ईजाद की जो दीन में नहीं है वो मर्दूद है, वो काबिल रद्द है। इन शवाहिद के बाद और इन दलाइल के बाद ये कौन यकीन कर सकता है कि इंसानियत की हिदायत के लिए, इंसानियत की राहयाबी के लिए अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के बाद इंसानियत को कोई और शय मतलूब है। लेकिन लोगों ने सब्र नहीं किया, लोगों ने अल्लाह के रसूल के अहकाम व फरामीन का पास नहीं किया और अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद सहाबा ताबईन तबा ताबईन और खैरुल क़ुरून के बाद लोगों ने दीन में, दीन के ही मद्द मुकाबिल, दीन के अलग रंग, नए नए फलसफे, नए नए अदियान और नए नए मजाहिब और नए नए तस्वुरात को ईजाद कर लिया और दीन में दाखिल कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा था, एक खत मुस्तकीम खींच कर कहा था कि ये सीधा रास्ता है, हदीस में है, ये सीधा रास्ता है और ये मेरा रास्ता है। इसके दाएं बाएं अल्लाह के रसूल ने कुछ और लाइनें खींची और कहा कि दाएं बाएं जो हैं ये और रास्ते हैं और हर रास्ते के दरवाजे पर एक शैतान बैठा हुआ है, बस जो सीधा निकल गया वो राहयाब हो गया, मंजिले मखसूस से हमकनार हो गया, जो मेरे सीधे रास्ते पर निकल गया वो मंजिले मखसूस से हमकनार हो गया, मुशर्रफ हो गया, और जो दाएं बाएं रास्तों में चला गया जिनमें शैतान दावत दे रहा है वो गुमराह हो गया।
और वही हुआ, लोगों ने अल्लाह के रसूल के खत मुस्तकीम पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कायम करदा सिरात मुस्तकीम पर इक्तफा न किया, आसमान से नाजिल शुदा दीन पर इक्तफा न किया, उस दीन पर राजी न रहे, बल्कि अल्लाह के नाजिल करदा दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाजिल करदा या अल्लाह के रसूल की बयान करदा अहदीस के बर्द मुकाबिल इसके अलर्रम एक मुस्तकिल निज़ाम हयात ईजाद कर दिया। और दुनिया भर की खुराफात और दुनिया भर के अकायद बातला पैदा हो गए, और ये बातिल फ़िरक़े, ये फ़िरक़े बातला जो हैं अल्लाह के रसूल के बाद पैदा हुए और खैरुल क़ुरून में पैदा हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, खैरुल क़ुरून क़रनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे अच्छा ज़माना मेरा ज़माना है, फिर वो ज़माना जो उसके बाद का ज़माना है, फिर वो जो उसके बाद का ज़माना है। और एक और हदीस के मुताबिक एक बार आपने ये भी कहा, इसके बाद वो ज़माना जो उसके बाद का ज़माना है। ये 300 साल जो अहदीस के मुताबिक जो हैं 300 साल होते हैं, 300 साल तक ये खैरुल क़ुरून यानी तमाम क़रनों में सबसे बेहतर क़र्न जो है, सबसे बेहतर ज़माना जो है ये खैरुल क़ुरून का ज़माना है, यानी अल्लाह के रसूल का ज़माना, सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, तबा ताबईन का ज़माना और अदबाओ तबा ताबईन यानी तबा ताबईन के जो शागिर्द हैं, और ये 300 साल की मुद्दत होती है। अल्लाह के रसूल ने मुकद्दस हदीस में इन तीन ज़मानों की खैरियत की ज़मानत दी है, कहा कि सबसे अच्छे ज़माने हैं। लेकिन बिदआत इतनी ख़राब शय हैं, शिर्क इतनी ख़राब शय है कि इस खैरुल क़ुरून में भी फ़िरक़े बातला पैदा हुए। अल्लाह के रसूल ने गालिबन इसी अम्र की सराहत के लिए कि दुनिया में बातिल फ़िरक़े पैदा होंगे, फ़िरक़े बातला पैदा होंगे और बातिल नज़रियात की ईजाद करेंगे, दीन में इख्तरा से काम लेंगे, दीन में इब्दा से काम लेंगे। लिहाजा नबी करीम ने कहा कि इसमें तुम्हें पैरवी करना है अपने असलाफ़ की, सहाबा की, ताबईन की, तबा ताबईन की और अदबाए ताबईन की, जो 300 साल की मुद्दत पर मुंतही होता है, मुंतज होता है। तो अल्लाह के बंदों ने या अल्लाह के रसूल की उम्मत ने आसमान से नाजिल शुदा दीन पर और अल्लाह के रसूल की हदीसों पर और अक़वाले सहाबा पर, अक़वाले ताबईन, अक़वाले तबा ताबईन और अक़वाले अदबाओ तबा ताबईन पर इक्तफा न किया, बल्कि नए नए नज़रियात की ईजाद की। इसके बाद क्या हुआ? जबरी, कदरी, मुर्जी, शीरी, ज़ैदी, अशारी, मातुरीदी, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, दुनिया भर के नज़रियात पैदा कर लिए, और खारजी, मोतज़िली और बातिनी, इस तरीके से नए नए मसालिक और नए नए बातिल फ़िरक़े और नए नए मनाहिज मारज़े वजूद में आ गए, जिन्होंने दीन को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह के रसूल की हदीस को छोड़कर तकलीद के रास्ते से शैतान ने एक नई बिसात बिछाई, एक नया दीन खड़ा कर दिया कि आइम्मा के मानने वाले जो मुकल्लदीन हैं चाहे लाख अहदीस पेश कीजिए, लेकिन वो तकलीद की बुनियाद पर अपने कौल इमाम को हुज्जत करार देते हैं, अपने अपने आइम्मा के अखवाल के मद्द मुकाबिल अपने अपने इमामों के अलग रकम, उनके अखवाल के अलग रकम नबी करीम की हदीस मानने की तैयार नहीं है। ये तकलीद की जो लानत थी ये क्या कम थी दीन को बर्बाद करने के लिए कि इसके बाद चौथी सदी, पाँचवीं सदी के बाद दुनिया में नए नए तसव्वुफ और तकश्शुफ के सलासिल सिलसिले जो हैं मारज़े वजूद में आए। तकलीद के चार मसालिक के वजूद में आने के बाद यानी चार सिलसिले जो हैं तसव्वुफ के वजूद में आए, यानी नक्शबंदी सिलसिला जो ख्वाजा बाकी बिल्लाह के नाम से मंसूब है, ये एक सिलसिला जो है तसव्वुफ का जो है मारज़े वजूद में आया, यानी नक्शबंदी सिलसिला जो है हज़रत बाकी बिल्लाह के नाम से मौसूम है, उनकी इजाद है। इनके मानने वालों को नक्शबंदी कहा जाता है और कादरी
शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मंसूब है, यानी कादरियत इसको कहा जाता है। और चिश्ती जो है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के नाम से मुअन्वन है, मुख्तस है। और सोहरवर्दी, ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इस तसव्वुफ़ के इस फ़िरक़े के बानी हैं। तो चार मसालिक जो हैं दुनिया में तसव्वुफ़ के ईजाद कर लिए गए, और चार मसालिक जो हैं हनफियत, शाफियत और मालिकियत और हम्बलियत। हनफी मसला जो मसलक जो है वो इमाम अबू हनीफा से मंसूब है। इमाम शाफ़ी मसलक जो है इमाम शाफ़ी के नाम से मुअन्वन है। और मालिकी मसलक हज़रत इमाम मालिक के नाम से मंसूब है। और हम्बली मसलक अहमद बिन हम्बल के नाम से मंसूब है। इस तरीके से चार सिलसिले जो हैं शरीयत के, और चार सिलसिले तरीक़त की ईजाद कर लिए। ये तो चार सिलसिले बुनियादी और कलीदी फ़िरक़े हैं जो निकाले गए। इसके बाद में शाख दर शाख हज़ारों सलासिल जो हैं सूफिया के जो हैं निकाले गए दुनिया में। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ये ख़त मुस्तकीम खींचा था, हदीस में है, कहा कि ये हाज़ा सबीली, ये रास्ता मेरा रास्ता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़त मुस्तकीम के जानिबैन यानी दाहिनी और बाईं जानिब कुछ मजीद खतूत खींचे। एक हदीस में कि दो इस तरफ और दो इस तरफ, और बाद में है कि चंद खतूत खींचे और कहा कि ये दाएं बाएं जो हैं ये रास्ते जो हैं शैतान के रास्ते हैं। इन दरवाज़ों पर, इन खतूत के दरवाज़ों पर शैतान बैठा हुआ है। ये तो हुकुम जो तुम्हें दावत दे रहा है, बस जो इन दावत देने वालों की तरफ माहिल न हुआ और ख़त मुस्तकीम पर मेरी राह पर चला गया वो राह याब होगा, हिदायत याब होगा, और जो दाएं बाएं घूम गया गुमराह हो जाएगा। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और सारी दुनिया के अंदर में ये मसल के यानी तकलीद के मसालिक जो हैं, यानी हनफियत, शाफियत, मालिकियत और हम्बलियत, ये मसालिक जो हैं ये देवबंदी और बरेलवी दोनों मानते हैं। जहाँ जहाँ पर हनफियत है वहाँ पर इन चार मसालिक, यानी दुनिया में जहाँ जहाँ तकलीद है वहाँ चार में से कोई ना कोई मसलक, या एक या दो मसलक, या कहीं तीन मसलक, या कहीं चारों मसलक जो है पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में जो मकतब देवबंद है, देवबंदी मकतब फ़िक्र जो है, ये लोग जो हैं अबू हनीफा के मानने वाले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जो हनफियत मौसूम है उसके पैरोकार हैं। और यह लोग जो हैं मुद्दई हैं कि तौहीद के अलमबरदार हैं। यकीनन कम से कम बरेलवियों के मद्दे मुकाबल, बरेलवियों के मुकाबले में यकीनन ये लोग जो हैं किसी कदर जो हैं शिर्क से और बिदअत से महफूज हैं। लेकिन ये कैसे कह दिया जाए? हम चाहते हैं कि हम इस बात का ऐलान कर दें कि इनमें जो है तौहीद खफीफ जो है, यानी तौहीद से मुतालिक वो नज़रिया मौजूद है जो कम से कम बरेलवियत से बहुत पाक व साफ है। लेकिन फिर भी अपने आप में ऐसे ऐसे बातिल नज़रियात देवबंदियत में पाए जाते हैं कि इनको बिल्कुल बड़ा भाई और बरेलवियों को छोटा भाई करार देना ही पड़ता है। देवबंदी हजरात खुद तस्लीम करते हैं ये अपने अपने लिए कि हम लोग जो हैं अल-मुफन्नद अल-मुहन्नद जो है एक किताब है जिसमें इन्होंने अपने अकायद का को कबूल किया है, तस्लीम किया है। इब्राहिम खलील ने, खलील अम्बेठी ने जो है किताब को तारीफ किया है, और सऊदी अरब के मुतालबा करने पर जो है ये किताब लिखी गई थी। और सऊदी हुकूमत ने कहा था कि आप जो हैं उलमाए देवबंद के ताल्लुक से कहा कि उलमाए बरेलवी ने, आला हज़रत फाजले बरेलवी ने जो हैं आपके ताल्लुक से जो हैं कुछ अकायद मंसूब करके हमारे पास भेजे हैं, हमने उनको पढ़ा है और हमने ये फतवा दिया है कि अगर यही अकीदा जो है इन चार उलमा का है, देवबंदी उलमा का, तो ये काफिर हैं। लेकिन ये हमने ये इस मशरूत फैसला सुनाया है। अब हम आपसे सवाल करते हैं कि आपके नज़रियात क्या हैं? तो उलमा देवबंद ने खलील अम्बेठवी को जो है ये खिदमत दी, और खलील अम्बेठवी ने जो है ये किताब लिखी और उसमें देवबंदी अकायद को नकल किया। इसमें इन्होंने कबूल किया है कि हम तकलीद में चार आइम्मा में से हनफी मसलक के अलमबरदार हैं, या हम जो हैं मसलकन जो हैं तकलीदी मजहब हनफियत के पैरोकार हैं। और तसव्वुफ़ में जो हैं
चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया सिलसिलों में से किसी एक सिलसिले के मानने वाले हैं। इल्म कलाम में हम मातुरीदी हैं, यानी इन्होंने अपनी ज़बान से कबूल किया है कि मसलकन जो हैं ये हनफी हैं और इल्म कलाम के एतबार से ये लोग जो हैं मातुरीदी हैं और तसव्वुफ़ के एतबार से जो हैं ये कादरी और नक्शबंदी या चिश्ती में से किसी एक मसलक के मानने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल के ऊपर दीन की तकमील के बाद और कुरान अजीम की इस्लाम की अहकाम के नुज़ूल के बाद जो है इंसानियत को कोई और चीज़ मतलूब नहीं थी, ये दीन काफ़ी था। लेकिन लोगों ने दीन के मद मुकाबिल दीन के अलग रकम जो है नए नए अफकार, नए नए नज़रियात और बातिल फ़िरक़े पैदा हो गए। जबरिया, कदरिया, मुर्जिया, खवारिज, मोतज़िला, ज़ैदिया, शिया हैं दुनिया भर के, और नक्शबंदी, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ज़ैदी दुनिया भर के करामता, बातिनिया और शिया, रवाफिज दुनिया भर के फ़िरके जो हैं मारज़ वजूद में आए। और ये उम्मत जो है नबी की तंबीह के बावजूद भी, कुरान अज़ीम की आयात बयनात के बावजूद भी दीन में नई नई बिदअतों की ईजाद करने वाली बन गई और जहन्नम को अपने लिए मुकद्दर कर लिया। और अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरी उम्मत में जो है यहूद और नसारा में 72 फ़िरके पैदा हुए और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके पैदा होंगे। सिर्फ एक फ़िरका जो है, एक तबका जो है फ़िरका नाजिया है, और वो फ़िरका है, वो तबका है जो अल्लाह के, जो मेरे और मेरे असहाब के रास्ते पर चलेगा, यानी मेरे रास्ते पर और मेरे सहाबा के रास्ते पर। हजरात, मैं एक बात कहता हूँ, ये हदीस सेहत तक पहुँची हुई है और इसी के हम माना, इसी के मिसल और अहदीस भी हैं जो तायद करने वाली हैं कि 73 फ़िरकों में से एक फ़िरका जो है नाजी है, ये वो फ़िरका होगा, ये वो तबका होगा उम्मत का जो अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर और अल्लाह के रसूल के सहाबा के तरीक़े पर होगा। और मैं कहता हूँ कि क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में और क्या सहाबा के ज़माने में और क्या खैरुल क़ुरून में कम से कम 3 सदियों के अंदर जो सबसे अच्छा ज़माना है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए, जिसके तहफ़ुज़ के लिए, जिसकी हिफाजत व सियानत के लिए नबी करीम ने ज़मानत ली है कि सबसे अच्छा ज़माना मेरा ज़माना है, फिर वो ज़माना जो उसके बाद का ज़माना है, फिर वो ज़माना जो उसके बाद का ज़माना है, फिर वो ज़माना जो उसके बाद का ज़माना है, यानी सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, तबे ताबईन का ज़माना, अलबा तबा ताबईन का ज़माना, ये 4 ज़माने जो हैं, 3-4 ज़माने जो हैं ये 300 हिजरी पर मुंतही या मुंतज होते हैं। लेकिन लोगों ने जो है नए नए फ़िरके, और शर्म नहीं आती अल्लाह के दीन की तकमील के बाद में नबी के सीने पर कुरान अजीम की तमाम आयात के नुज़ूल के बावजूद भी और अल्लाह के रसूल की वो मुस्लिम की हदीस है, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला इस कुरान अजीम के मानने की बुनियाद पर इस उम्मत को सरफराज करेगा, इस उम्मत को जो है उरूद बख्शेगा, और इसी की तर्क की बुनियाद पर अल्लाह ताला इसको जलील और रुस्वा कर देगा। यह हदीस जो है अल्लाह के रसूल की हदीस को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है कि एक कुरान अजीम काफ़ी है इंसान के लिए, इसके ज़रिए जो है कुरान अजीम की आयात पर अमल करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला इस कौम को, इस मिल्लत को जो है राहयाब करेगा, फैज़याब करेगा, और इसको छोड़ने पर जो है गुमराह करार देगा। लेकिन ये उम्मत मानी नहीं। नबी करीम ने साफ साफ कहा ये मेरा रास्ता है, सीधा रास्ता है, जो सीधा निकल गया राहयाब हो गया, बख्शा हुआ है, और जो दाएं बाएं घूम गया वो गुमराह है। लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं माना। और तालिक मसूद साहब हैं, उलमाए देवबंद में यूट्यूब छाए हुए हैं, उन्होंने तसव्वुफ़ की इबाहत और तसव्वुफ़ के जायज़ होने, इसके मुस्तहसन होने पर एक बाकायदा खुतबा दिया कि ये सलासिले सूफिया जो हैं, ये 4 सलासिल जो सूफिया के हैं, नक्शबंदियत, कादरियत और चिश्तियत और सोहरवर्दियत, ये 4 तरीक़े हैं ये अल्लाह से क़ुर्बत पैदा करने के लिए, ये 4 सलासिल हैं, जो सही सूफ़ी को पा जाए वो उससे फैज़ हासिल करे। यानी अफसोस की बात है
कि अपने आप को तौहीद से मंसूब करने के बावजूद भी ये तकलीद भी करते हैं, ये सूफी भी हैं, हैं और दुनिया भर के वजूदी मसालिक के मानने वाले हैं, ऐसे उलमा को मानते हैं, ऐसे मुतसव्विफीन को मानते हैं, ऐसे बाबाओं को मानते हैं, ऐसे बुजुर्गों को मानते हैं जो वजूदी हैं, तौहीदी नहीं बल्कि वजूदी हैं, जो अकीदे हुलूल को मानते हैं, जिसमें तसव्वुर शेख भी है, तसव्वुर पीर भी है, तसव्वुर रसूल भी है, जिसमें अकीदे हुलूल है कि अल्लाह की ज़ात बंदे में जा, अकीदे वहदतुल वजूद है, अकीदे वहदतुल शुहूद है, शुहूद है यानी कायनात अल्लाह ताला है, अल्लाह कायनात है, बंदा रब है और रब बंदा है, ये अकीदा यानी इंसान की ज़ात में अल्लाह की ज़ात पैवस्त हो जाती है, अल इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की हयात में, इंसान की मादी अनासिर में अल्लाह की ज़ात हुलूल कर जाती है, इंसान की रूह में अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की रूह हुलूल कर जाती है, अल्लाह की ज़ात मुदगम हो जाती है, ये गुमराह कुन नज़रिया जो है अकीदा वहदतुल वजूद है। और शेख अकबर मुहीउद्दीन, शेख अकबर जो है जो साहिब फतुहात मक्किया हैं, साहिब फिसूसुल हुकम हिकम हैं, यानी हिकमत के मोती किताब लिखी इन्होंने तसव्वुफ़ की, जिसमें इन्होंने अकीदा वहदतुल वजूद को बयान किया, यानी सारी कायनात रब है और रब सारी कायनात है, बंदा जो है रब है और रब बंदा है, यानी इंसान की ज़ात में और कायनात के जर्रे जर्रे में, कायनात के गोशे गोशे में, कायनात की हर शय में, तमाम कायनात में अल्लाह की ज़ात मौजूद है, हाजिर व नाजिर है, पैवस्त है, मुदगम है, उसमें ज़म है। ये बदतरीन अकीदा जो है, इसी बिना पर जो है मंसूर हल्लाज ने अनल हक दावा किया, इसी बुनियाद पर सरमद शहीद सूफी ने अपने आप को हक कहा, अपने आप को अल्लाह का दावा कर दिया खुद के लिए, इसी बिना पर शेख अकबर ने अपने दावा खुदाबंदी कर दिया, तमाम आइम्मा ने, बड़े बड़े उलमा ने इनको जिंदीक और काफिर करार दिया है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे उलमा मौजूद हैं जिसमें देवबंद उलमाए, देवबंद और उलमाए बरेलवी जो हैं पाकिस्तान और हिंद के जो हैं और दुनिया में, वो तमाम मसालिक जो मुखल्लिदीन टाइप के हैं, जो मुतसव्विफीन हैं, जो तसव्वुफ़ को मानने वाले हैं, पीर परस्ती को मानने वाले हैं, खानकाहियत को मानने वाले हैं, वो सब शेख अकबर के दिफा करते हैं, डिफेंस करते हैं, जबकि अल्लामा शेख इब्न हजर अस्कलानी हैं, हाफिज़ ज़हबी हैं, इब्न कसीर हैं, इब्न तैमिया हैं, इब्न क़य्यिम हैं, और इस तरीके से ग़ालिबन मुल्ला अली क़ारी भी हैं अहनाफ में, इन सब लोगों ने जो है इन्हें ज़िंदीक करार दिया है, काफिर करार दिया है, गुमराह करार दिया है, लेकिन इतनी बदतरीन अकीदे अकायद से के बावजूद भी जो है लोग जो हैं इन चार सलासिल को मानते हैं, शेख अकबर को मानते हैं, इनकी किताब फतुहात मक्किया में और फुसूसुल हिकम में, बेहमदी ताला फतुहात मक्किया और फुसूसुल हिकम मैंने बचपन में पढ़ी थी, फतुहात मक्किया पूरी पढ़ी थी लेकिन फुसूसुल हिकम जो है वो थोड़ी बहुत देखी थी मैंने, इसमें वो तमाम नज़रियात मौजूद हैं कि जिसमें बंदे को रब, रब को बंदा करार दिया गया है और अल्लाह की ज़ात को कायनात के गोशे गोशे में, जर्रे जर्रे में, ये नज़रिया जो है वेदांती नज़रिया है, ये नज़रिया जो है यहूद व नसारा से और मजूसियों से और हिंदुस्तान के वेदों से जो है अक्स किया गया है, जब ये अकीदा जो है अरबी किताबों में तर्जमा होकर के आया और महमूद गज़नवी, मोहम्मद गौरी और लोधी और खिलजी ख़ानदान जब हिंदुस्तान में आया, ग़ुलाम ख़ानदान जब यहाँ पर आया तो अपने साथ हनफियत लाया और तसव्वुफ़ के ये सलासिल भी लाए, इसके बाद जो है हिंदुस्तान में जो है तसव्वुफ़ और तकलीद का गलगला और हंगामा पैदा हो गया और हिंदुस्तान के मगरबी साहिल में सिंध और मुल्तान, राजस्थान और मकरान और कश्मीर के इलाकों से जो है अहले हदीसियत जो है जो 350 साल तक मोहम्मद बिन हज़रत उमर के ज़माने से और हज़रत उस्मान गनी के ज़माने से और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से और फिर मोहम्मद बिन कासिम खिलाफत अब्बासिया में, खिलाफत बनु उमय्या में, जब हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर जो है मुसलमानों ने, सहाबा ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने दीन को फैलाया, दीन की इशाअत की और सिंध में कराची का जो जिसको पहले देवल कहा जाता था आज कराची कहा जाता है, फिर यहाँ के ज़रिए जो है एक लंबी कहानी हमारे दूसरे वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, फिर
मोहम्मद बिन कासिम जो है मकरान में, सिंध में, पंजाब में, मुल्तान में, कश्मीर में और कराची के इलाकों में जो है इस्लाम फैलाया, और फिर 350 साल तक अहले हदीस का निज़ाम बरपा रहा। मुहद्दिसीन ने बड़े बड़े मदारिस कायम किए, बड़ी बड़ी मसाजिद कायम की, लेकिन महमूद गज़नवी दर्रे खैबर से आया। और महमूद गज़नवी है और शहाबुद्दीन गौरी है, अलाउद्दीन खिलजी है, लोधी ख़ानदान है, ग़ुलाम ख़ानदान है, इन लोगों ने हिंदुस्तान में जो है ये तकलीद और तसव्वुफ़ लेकर के आए, और फिर पूरा मुल्क जो है तसव्वुफ़ के और तकलीद के अंधेरों में गुम होकर रह गया। और हिंदुस्तान से जो है आहिस्ता आहिस्ता 350 सदियों के बाद में सिंध और मुल्तान और पंजाब और कराची के इलाकों से, पाकिस्तान के इलाकों से जो है ये अकीदा तौहीद जो है जाता रहा। और फिर यहीं पर शिर्क और बिदअत और हुलूली अकीदे के मानने वाले, तसव्वुफ़ के मानने वाले, तकलीद के मानने वाले जो हैं गालिब आ गए, और पूरा हिंदुस्तान जो है आज आपके सामने है कि जाबरा गुंबद हैं जहाँ पर नाच होता है, रक्स होता है, शिर्क होता है, हैं संदल निकलता है, और बड़े बड़े मज़ारात हैं, और दुनिया भर के खुराफात होते हैं, और पूरा मुल्क जो है वो तसव्वुफ़ के अंधेरों में, उसके जुल्मत कदे में गुम होकर रह गया। तो हजरात, ये तो था कि अल्लाह के नबी के दीन के मद्दे मुकाबिल जो है ये तकलीदी मसालिक और सूफिया के मसालिक और मातुरीदिया, अशअरिया और फिर शिया, शियों ने जो है रही, मुग़ल जो है जब यहाँ पर आए 1526 से लेकर के 1857 तक जो है मुग़ल का दौर था, इन लोगों ने जो है इसमें शीयत को भी दाखिल कर दिया, और आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान जो है शीयी नज़रियात का हामिल हो गया। और फिर ताज़िये और बुर्राक और अलम और सबील और शरबत और दुनिया भर के जो है ये अकायद बातला और आमाले बातला जो है, आमाले बिदिया जो है यानी बिदाती आमाल जो हैं इसमें शामिल कर दिए, और दीन तबाह व बर्बाद करके रख दिया गया। पाकिस्तान में जो है बहुत उरूज पर है। अबू यहया नूरपुरी ने इस्लाम और तसव्वुफ़ से मुतालिक जो वीडियो बनाया है उसमें ये बात जाहिर की है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो है हाल ही में ये ऐलान किया था कि वो अनकरीब जो है पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोलने वाले हैं जो तसव्वुफ़ के ऊपर काम करेंगे इंशाअल्लाह। अबू यहया नूरपुरी ने अपने एक खुतबे जुमा में इस बात पर शिकायत करते हुए फरमाया कि हैरत है कि पूरे पाकिस्तान में और पूरे हिंदुस्तान में जो है मज़ारों में जो है शिर्क हो रहा है, लोग नशाबाजी करते हैं, वहाँ पर गांजा भांग और शराब का दौर दौरा है, और वहाँ जिना के अड्डे हैं, कव्वालियों की महफिलें हैं, हंगामा आराई है, संदल निकलते हैं, शिर्क होता है खुल्लम खुल्ला, क्या ये काफ़ी नहीं था? तसव्वुफ़ ने क्या दिया है इंसानों को सिवाय बर्बादी के? इस्लाम की पूरी बर्बादी जो है इन सूफिया की मरहूर मिन्नत है। दुनिया में तमाम तर बर्बादी जो है दो रास्तों से आई है, एक तो तकलीद के रास्ते से लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करने वाले ये चार तकलीदी मसालिक हैं, ये चार तकलीदी सलासिल हैं, सिलसिले हैं, और तसव्वुफ़ के चार बुनियादी और कलीदी जो हैं सलासिल हैं, यानी सोहरवर्दियत, नक्शबंदियत, चिश्तियत और कादरियत, इसके अलावा ज़ैली ज़िम्न बहुत से सिलसिले हैं, ये काफ़ी थे। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम करने वाले हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर कायम करने वाले हैं जिनमें तसव्वुफ़ पर काम किया जाएगा। बग़ैर काम के तसव्वुफ़ की हिलाकत खेजियाँ और बर्बादियाँ आपके पेश नज़र हैं, आपके सामने हैं। जब पाकिस्तान में जो है यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर कायम हो जाएंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े कॉलेज जो हैं, उनकी 80% ग्रांट जो है रोक दी गई है, 80% बजट कम कर दिया गया है, और उनके तमाम काम जो है अधूरे हो गए हैं। तहकीकी, तसनीफी, तालीफी, तजर्बाती तमाम काम जो है मारज़े इल्तवा में पड़े हुए हैं, मारज़े ख़तर में पड़े हुए हैं, और फीस देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है यूनिवर्सिटियों के पास में, कॉलेज के पास में। ऐसी कंडीशन में जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ये ऐलान कि वो पाकिस्तान में जो है तसव्वुफ़ पर जो है
रिसर्च सेंटर कायम करने वाले हैं और यूनिवर्सिटियां कायम करने वाले हैं, कितनी अजीब बात है। और ये ऐलान भी किया था, अबू यहया नूरपुरी फरमाते हैं कि ये ऐलान भी किया था कि हम अनकरीब जो हैं निसाब के अंदर में कुछ ऐसी बातें शामिल करने वाले हैं जो यकसा होंगी। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह के रसूल की सीरत वाला चैप्टर ही गायब कर दिया गया। कहाँ तो ये गया था कि हम ऐसा निसाब लाने वाले हैं जो पाकिस्तान में सबके लिए यकसा होगा, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल की सीरत से मुतालिक जो असबाक थे वो ख़त्म कर दिया गया। बताइए, एक इस्लामी मुल्क है और इनका ये अज़्म है कि ये मदीना स्टेट कायम करने वाले हैं, इस्लामी निज़ाम कायम करने वाले हैं, उन्होंने अपने निसाब से नबी करीम की सीरत को ही गायब कर दिया। और पहले से ही निसाब में कुछ ऐसी बातें मौजूद थीं और कुछ ऐसे मुसन्निफीन और कुछ ऐसे फ़लासफ़ा मनातिका और कुछ ऐसे यहूदी और मजूसी लोगों की ज़िंदगियाँ उसमें बयान के असबाक में थीं जो बर्बादी के लिए बहुत काफ़ी थी। उनको तो ख़त्म नहीं किया गया और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से मुतालिक जो चैप्टर था उसको उड़ा दिया गया। और फिर ये ऐलान और 10 करोड़ रुपया जो है वहाँ की पाकिस्तानी ममलिकत ने जो है, चंद साल पहले की बात होगी, अबू यहया का ये वीडियो जो है हाल ही का है, तो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया जो है एट प्रेजेंट जो है फौरन जो है हंगामी तौर पर दे दिया गया और बाद में अरबों दिए जाएंगे। तो हजरात, ये तसव्वुफ जो है दुनिया को बर्बाद करने वाला है, इस्लाम की तबाही और बर्बादी का ज़ामिन है ये, इसने पूरे मुसलमानों में करोड़ों इंसानों को गुमराह कर दिया है। और आज गली गली कूचे कूचे नगर 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 जो है गुमराह कलंदर मिलते हैं, मस्त बाबा मिलते हैं जो नंग दरंग घूमते हैं और लोग जो हैं उनके सामने गिर जाते हैं, उनसे दुआएं करवाते हैं, उनसे दुआ करते भी हैं, उनसे दुआएं करवाते हैं, उनको अल्लाह का वली मानते हैं, उन्हें कलंदर बोलते हैं, उन्हें मजजूब बोलते हैं, उन्हें बाबा बोलते हैं और उनके पास सजदा करते हैं जाकर के। और ये महफिल कव्वाली, ये महफिल सिमा जो है, ये दुनिया भर के खुराफात जो है तसव्वुफ में ईजाद कर ली गई हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों से परहेज करें, वरना ये हमारे हमारे मुस्तकबिल को, हमारी आखरत को, हमारी उकबा को तबाह बर्बाद करके रख देगा। ये तसव्वुफ एक ऐसी बीमारी है जो यहूदियों ने, मजूसियों ने और हिंदुस्तान के वेदांती मसलक के लोगों ने जो है इसमें शामिल किया है। इस्लाम के मद्द मुकाबल एक मुस्तकिल दीन है, ये दीन इस्लाम के मद्द मुकाबल उसके अलग रकम एक मुस्तकिल निज़ाम हयात है, एक मुस्तकिल दीन है, एक मुस्तकिल मज़हब है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने वजाहत के साथ गालिबन बनी इसराइल सूरह बनी इसराइल में फरमाया है, रहबानियता लिबतदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, ये अल्फाज हैं कि ईसाइयों ने रहबानियत यानी तर्क दुनिया को जो है, जोगीपन को जो है इख्तियार कर लिया। इन्होंने दुनिया में तर्क दुनिया, रहबानियत का मतलब है तर्क दुनिया यानी दुनिया छोड़कर निकल जाना और जंगलों में और गारों में और पहाड़ों में क़याम कर लेना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ कर देना, दुनिया छोड़ देना। ये जो है अकीदा है, रहबानियत है, यानी राहिब बन जाना। अल्लाह कहता है कि और ईसाइयों ने जो है रहबानियत को इख्तियार कर लिया और अल्लाह ने उनके दीन में इसको फ़र्ज नहीं किया था, अल्लाह ने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने इब्तदऊहा खुद अपने तौर पर इस बिदअत को ईजाद कर लिया। इसमें क्या होता है, लोग निकल जाते हैं दुनिया छोड़कर, और इसीलिए पूरे ईसाइयों के अंदर जो है पादरी एक तबका है, पादरी जो निकाह नहीं करता है, जो शादी नहीं करता है, दुनिया छोड़ करके शादी नहीं करता है, चर्चों में क़याम करता है और दुनियावी ज़िंदगी से बिल्कुल महरूम होता है, न माल कमाता है, न कोई काम करता है, न बच्चे पैदा करता है, न शादी करता है। ऐसी ही औरतों में एक तबका है नर्सिस का, नन बोलते हैं, नन ये जो हैं शादियां नहीं करती हैं और अपने आप को दीन मसीही के इर्तका के लिए, उसके खिदमत के लिए अपने आप को खास कर लेती हैं, ये भी निकाह नहीं करती हैं, लेकिन ये फितरत से और कुदरत से जंग के मुतरादिफ है। लिहाजा जितना करप्शन और जितना सेक्स स्कैंडल जो है इन पादरियों में और इन नंस में पाया जाता है, दुनिया की किसी कौम में नहीं है। एक गैर फितरी बात ईजाद कर ली तर्क दुनिया, रहबानियत, जोगीपन,
यानी दुनिया छोड़ कर निकल जाना दीन की खिदमत के पेश नज़र, दीन की खिदमत के तसव्वुर के पेश नज़र दुनिया छोड़ देना कि दीन की खिदमत होगी, और फितरत से जंग करना जो है ये इतना गलत नज़रिया था। इसके बाद क्या हुआ, ये पादरी जो है अपने आप को रोक नहीं पाए, और बड़े बड़े पादरियों ने और बड़ी बड़ी नंस ने करप्शन किया और जिना और बेहयाई का रास्ता इख्तियार किया। कितने वाक़ियात जो हैं सुनने में आते हैं। तो अल्लाह कहता है कुरान अज़ीम की जो आयत है इसकी बात है ग़ालिबन मा रऊहा हैं हक़्क़ा रियायतिही, ये अल्फाज ग़ालिबन हैं, काश कि इसमें कोई ख़ता वाक़ई ना हुई हो। या अल्लाह कहता है इसकी बात में कि उन लोगों ने रहबानियत को ईजाद कर लिया, अल्लाह ने उन पर फ़र्ज नहीं की थी और ये लोग जो हैं उसकी रियायत नहीं कर पाए, यानी ईजाद तो कर ली तरक दुनिया ईजाद कर लिया लेकिन बात इस पर कायम नहीं रह पाए। यानी मकसद क्या था कि दुनिया छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़ातों को अल्लाह के दीन के लिए ख़ास कर दिया जाए, और उन्होंने कोशिश की इसके लिए। अंजाम क्या हुआ, गलती पर थे, ये बिदअत उन्होंने खुद ईजाद कर ली थी। अल्लाह कहता है कि हमने उन पर लाजिम नहीं की थी, उन्होंने खुद ईजाद कर लिया था इसको, और बाद में ये लोग जो हैं उस राह पर गामजन न रह पाए क्योंकि इन्होंने खुद निकाला था, अल्लाह ने उन पर लाजिम नहीं किया था, ये बिदअत उन्होंने खुद ईजाद की थी लिहाजा नाकाम रहे। बिदअत का अंजाम यही होता है, या इस दुनिया में या उस दुनिया में जो है उनको अंजाम भुगतना है। अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि नबी फरमाते हैं कि जहाँ मैं हौज़ कौसर पर बैठा रहूँगा मैं, और मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे और मैं जाम कौसर लेकर उनको पिलाने के लिए बैठा हूँगा, जब वो मेरे करीब आएंगे तो फरिश्ते जो हैं उनको रोक देंगे। मैं कहूँगा अरे ये तो मेरे असहाब हैं, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरे मानने वाले लोग हैं। कहा गया अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम आपके बाद इन लोगों ने दीन में नई नई बातें ईजाद कर ली, इन्होंने दीन में बिदअत और खुराफात को ईजाद कर लिया था। नबी करीम जैसे ही सुनेंगे कहेंगे सोहकन सोहकन इनको मुझसे दूर कर दो, इनको मुझसे दूर कर दो। मुसलमान भी याद रखें इस बात को कि अल्लाह के रसूल का दीन कुरान और हदीस से मुअन्वन है, मुख्तस है। दीन का मतलब है कुरान अजीम की आयात बय्यिनात, कुरान के अहकाम व फरामीन, और अल्लाह के रसूल की हदीस और सहाबा ताबईन व तब ताबईन के फरामीन जो हैं या उनके उनकी जो रिवायात जो सही सनद से साबित हो जाए वो। लेकिन लोगों ने जो है दुनिया भर के नज़रियात, दुनिया भर के तकलीदी और मुतसव्विफाना मसालिक और दुनिया भर के नज़रियात ईजाद कर लिए, कुछ सियासी मज़ाहिब और कुछ दीनी मज़ाहिब ईजाद कर लिए, इनका अंजाम क्या होने वाला है। नबी के लाख मना करने के बाद भी ये कौम मानी नहीं और दीन में ये सब ईजाद कर लिया। जब मैं बी ए कर रहा था कल्याण में मुंगरा कॉलेज के अंदर में, मुंगरा के बिरला कॉलेज के अंदर में, तो एक पादरी जो है गालिबन लूट्स हाई स्कूल के अंदर में वो बहुत दिनों तक पढ़ाते थे इंग्लिश के, वो उर्दू बोलते ही नहीं थे, वो एकदम बिल्कुल काउबॉय स्टाइल में आया करते थे। तो बैंक में आए थे, मैं पेमेंट लेने गया था, तो वहाँ पर वो आया और उसने जो है नन के ओहदे और पादरियों के ओहदे पर जो है जवाब उसको कहा कि सही है, पादरी बनना और नन बनना जो है सही है, औरतों का दुनिया छोड़ करके दीन मसीही की खिदमत करना और मर्दों का दुनिया तर्क करके दीन मसीही की खिदमत करना, यानी पादरियत और ननगिरी जो है ये दोनों जायज़ हैं और ये बहुत ही अच्छा पेशा है, बहुत ही अच्छी खिदमत है। तो मैंने कहा कि आप मुझसे इस सिलसिले में मुनाज़रा कीजिए। हम दोनों जो हैं बैंक के कोने में खड़े हो गए और मैंने जो है दलाइल पेश किए, वो दलीलें अगर मैं पेश करूँगा वो बताऊँगा, तो बहुत बड़ी कॉमेडी भी है वो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपना वक्त ज़ाय करूँ। बहरहाल वो साबित नहीं कर पाया और उसको ये तस्लीम करना पड़ा। मैंने कहा अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है जिस काम के लिए और जिसमें इंसानी के आज़ा दिए हैं, अल्लाह ने इंसान को जो जिसमें आज़ा दिए हैं, जो वजूद बख्शा है, ज़िंदगी की तमाम दायरों से नन जो है लेडी जो है चर्च वाली जो चर्च की खादिमा होती है नन वो, और जो पादरी जो है अल्लाह ताला के अता करदा अक्ल को दिमाग को हाथों को पैरों को जो है इस्तेमाल नहीं करता है और बस दूसरों के पैसे पर और पेमेंट पर जो है रहता है और काम नहीं करता है, निकाह नहीं करता है, तो ये अल्लाह की
फितरत के खिलाफ है कि अल्लाह ने उसको जिस्म के आज़ा दिए हैं, जिस्म के हिस्से दिए हैं, पूरा वजूद दिया है, लेकिन पूरे वजूद को मुअत्तल करके एक तरफ बैठ जाना, राहिब बन जाना है। वह रहबानियत लिप्त माँ कतबनाहा अलैहिम, यानी उन लोगों ने तर्क दुनिया को इख्तियार कर लिया है। और ये तर्क दुनिया ऐसी बिदअत थी जो हमने उनसे नहीं कहा था, उन्होंने खुद ईजाद कर लिया था, और बाद में ये इस पर कारबंद न रह सके, इस पर मुस्तकीम न रह सके, और उसके बाद करप्शन हुआ दुनिया भर में जो है, पादरियों के और नन के वाक़यात हैं, इस पर मुस्तकिल किताबें हैं, मैंने भी किताब लिखी है जिसमें मैंने इस बारे में जो है एक सबक जो है ख़ास किया है, गलबन झाड़ फूक से मुतालिक कोई किताब मेरी है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो ये जो है तर्क दुनिया जो है ये रहबानियत है, और ये तसव्वुफ जो है दीन में एक नई बिदअत है, और मुसलमानों को इससे परहेज करना चाहिए। इस तसव्वुफ ने जो है बड़ी बड़ी खानकाहें पैदा कर दी हैं, इन खानकाहों में बेदीन और बेनमाजी और बदअकीदा लोग जो हैं जमा होते हैं, और अपने शेख के बयान करदा जिक्र और औरात पर अमल करते हैं, उनकी नमाजें अलग होती हैं, नमाजें नई नई नमाजें, नए नए वजीफे, नए नए असकार और नई नई बातें और नए नए तौर तरीके जो हैं ईजाद कर लिए हैं इन लोगों ने, नए नए लिबास और नई नई शायरी, सब कुछ नया है, और दीन के बिल्कुल अलग रस्म और दीन के मद्द मुकाबिल एक मुस्तकिल दीन की शक्ल में जो है ईजाद कर लिया है तसव्वुफ को। और अफसोस तो ये होता है कि बरेलवी हजरात तो खैर वो तो बिल्कुल गए बीते हैं, वो तो सिर से लेकर पैर तक तसव्वुफ में और बिदअत में डूबे हुए हैं। उलमाए देवबंद से उम्मीद थी कि कम से कम ये लोग तीजा, चेहल्लम, मुहर्रम, न्यास, फातिहा, अगड़म बगड़म चीज़ों में मुलव्वस नहीं हैं तो काफ़ी महफूज होंगे, लेकिन उलमाए देवबंद के जो मशाइख हैं, इन मशाइख की जो सवाने हयात लिखी गई हैं, है ना, अशरफुस सवाने और अरवाह सलासा, तस्किरतुल रशीद और तस्किरतुल खलील, इसमें जो वाक़यात हैं ये इनकी हुलूली और वजूदी होने पर नातिक और शाहिद अदल हैं। उलमाए देवबंद की किताबें जो हैं, जैसे अरवाह सलासा है, तस्किरतुल खलील है, तस्किरतुल रशीद है, इसमें इन लोगों ने अकीदे वहदतुल वजूद की वकालत की है, इसको सही करार दिया है। और इससे पहले वाले वीडियो में जो है मैंने वाक़या नकल किया है, आशिक इलाही मेरठी ने तस्किरतुल रशीद में जो है एक वाक़या नकल किया है, और मैंने इसको बयान किया है, वहदतुल वजूद का क्या नज़रिया है, और डॉक्टर इसरार साहिब भी इसको मानने वाले हैं। डॉक्टर इसरार साहिब को जो है पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में, दुनिया में लोग सुनते हैं, लेकिन इतने बड़े गुमराह और इतने बड़े हुलूली, इतने बड़े वजूदी और इतने बड़े मुतसव्विफ और मुतकश्शिफ, इतने बड़े सूफी हमने कहीं देखे नहीं। दुनिया भर की अकायद की खराबियां और दुनिया भर के तसव्वुफ से मुतालिक अकायद नज़रियात और दुनिया भर के खुराफात, और 90% मुसलमान इनके नज़दीक काफिर हैं, और ये कहते हैं कि दुनिया में इस्लामी निज़ाम कायम कर रहा है, अपने दीन के निज़ाम का मुताला तो कर नहीं पाए, दीन का जो सिस्टम है और दीन का जो निज़ाम है उसको तो अपनी ज़ात पर नाफिज़ नहीं कर पाए, और अल्लाह के रसूल के दीन को समझ नहीं पाए, और दुनिया भर के मुतसव्विफाना मुतकश्शिफाना मसलकों को मानने वाले बन गए। और अकीदे वहदतुल वजूद के अलमबरदार हैं आप, अकीदे वहदतुल शहूद और वहदतुल वजूद के वकील हैं आप, आपने अपने लेक्चर्स के अंदर में जो है इसका दिफा किया है इस अकीदे का। तो आशिक इलाही मेरठी ने अपनी किताब तस्किरतुर रशीद में एक वाक़या नकल किया है, जलालाबाद का ये वाक़या है, और सूफ़ी जामिन अली एक बताए गए हैं, ये जामिन अली जो है जलालाबाद में एक मोहल्ले में आया करते थे और एक मोहल्ले में क़याम करते थे, तो वहाँ उनसे मिलने रंडियाँ आती थीं, तवाइफ़ें आती थीं। आप सोचिए, मैं कहता हूँ जामिन अली होंगे कोई, आते होंगे रंडियों के मोहल्ले में या किसी और मोहल्ले में, और रंडियाँ उनसे मिलने आती होंगी, लेकिन आशिक इलाही मेरठी का लेवल इतना गिरा हुआ नहीं। ये उलमाए देवबंद के बड़े आलिम हैं, और अल्लामा रशीद अहमद गंगोही जो हैं एक बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन तकलीदी और मुतसव्विफाना निज़ाम के मेंबर हैं, लिहाजा वो तमाम खराबियाँ पाई जाएंगी,
आप मातुरीदी हैं, आप हनफी हैं, आप मुतसव्विफ हैं, सूफी हैं, लिहाजा इस किस्म के वाक़ात में हो रहा। फिर वजूदी भी हैं, अकीदा वहदतुल वजूद के मानने वाले हैं। आशिक इलाही मेरठी जैसा अजीम मौर्रिख जो है साहिब कलम लिखता है कि जामिन अली जो हैं जलालाबाद के फना फला मोहल्ले में आए तो रंडियाँ मिलने के लिए आईं, तो आपने कहा, सूफी जामिन ने कहा उन तवाइफों से कि वो नहीं आई, तो कहा कि कौन, तो कहा वो वाली। कहते हैं शेख वो कहती है कि मैं तो रूह सियाह हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं शेख के सामने कैसे जाऊँ, मेरा तो पेशा ही ये तवाइफ का पेशा है, रंडीबाजी है, मैं किस मुँह से जाऊँगी शेख के सामने। इसलिए बल बिनाए शर्मो हया वो नहीं आई, कहा कि उनको कल आना तो लेकर के आना, लिहाजा वो और तवाइफें जो हैं उस तवाइफ को लेकर के आई। तो कहा शेख जामिन ने कहा कल तुम क्यों नहीं आई, तो कहा कि शेख मैं रूह स्याह, मैं गुनहगार, मैं मुझे शर्म आती थी कि मैं आपके सामने क्या मुँह लेकर के आऊँगी। तो आपने कहा शर्माने की क्या बात है, करने वाला वही है और करवाने वाला भी वही है। ये बदतरीन कलिमात जो है शेख जामिन अली ने निकाले रंडी से, क्या कहा कि करने वाला भी अल्लाह है और करवाने वाला भी अल्लाह है। ये क्या है, इस जुमले का मतलब क्या है कि बंदा रब है और रब बंदा है। ये है अकीदे वहदतुल वजूद, ये जुमला जो है उन्होंने अकीदे वहदतुल वजूद के ज़ेर असर कहा। इस वाक़े से ये मालूम पड़ता है कि वो हुलूली हैं, यानी अकीदे वहदतुल वजूद के मानने वाले हैं। इस अकीदे के तहत बंदा रब है, रब बंदा है, बंदे के मादी अनासिर में, बंदे की ज़ात में अल्लाह की ज़ात पैवस्त होती है, अल्लाह की ज़ात मुदगम होती है, अल्लाह की ज़ात मुलहक और ज़म होती है, और अल्लाह रब और रब अल्लाह, बंदा रब और रब बंदा होता है। और अल्लाह की ज़ात जो है कायनात के गोशे गोशे में, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में, कायनात के हर मकाम पर अल्लाह की ज़ात मौजूद होती है। जबकि इस्लाम का यह अकीदा गलत है, ये इस्लाम ने इस अकीदे की वकालत नहीं की है कि कायनात अल्लाह का खालिक, कायनात जो है अल्लाह ताला जो है वो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है, गोशे गोशे में है, रेज़े रेज़े में है, अल्लाह अर्श पर है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है, उसकी कुदरत और उसका इल्म और उसका इरादा और उसका ज़ोर और उसकी कुदरत जो है वो कायनात के गोशे गोशे में है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है, कायनात के इंसान के आगे पीछे ऊपर नीचे हर मकाम पर है। तो हजरात ये हैं तसव्वुफ़ की हिलाकत खेजियाँ और बर्बादियाँ। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो दीन को उसके असली माखज़ और मसाजिर से हासिल करें। कुरान और हदीस में जो अल्लाह ने जो दीन हमको दिया है, कुरान अजीम की आयात बयनात में अल्लाह ने जो हमको अहकाम व फरामीन दिए हैं, और नबी की हदीस की शक्ल में जो है हमारे पास जो पूरा निज़ाम हयात है इस्लाम का, ये क्या काफ़ी नहीं था? जो लोगों ने सूफियों के सलासिल अरबा यानी चार सिलसिले जो हैं और उसके बाद उनकी ज़ैली ज़मनी शाखें जो हैं मान के रखी हैं, और कहते हैं कि सूफ़ी जो है तस्किए नफ्स करता है, तहारत नफ्स करता है, तरबियत करता है आखरत के लिए, तर्क दुनिया करवाता है और आखरत की ज़मानत देता है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल का दीन काफ़ी नहीं था? इसका मतलब यह अल्लाह कहता है कि हमने दीन मुकम्मल कर दिया है और तमाम नेमतें पूरी कर दी हैं और दीन से अल्लाह ताला खुश हो गया है, तो क्या ये दीन काफ़ी नहीं होगा? लेकिन लोग नहीं माने और नया दीन खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला हमें इस बदतरीन दीन से महफूज रखे, तसव्वुफ़ से महफूज रखे। हम तमाम हज़रात से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।